हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज हम बात करेंगे 5-स्टार RSI स्ट्रेटजी स्क्रीनर के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने विशाल मलकान जी को अपने शो द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट पे इनवाइट किया था। इस शो में इन्होंने हमारे साथ अपनी 5-स्टार RSI स्ट्रेटजी शेयर की थी, जिसे ये ग्रैंडफादर, फादर और सन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो इन स्ट्रेटजी को हमने 2 एपिसोड्स में कवर किया था और दोनों ही एपिसोड्स को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। दोनों एपिसोड्स मिला करके 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं और हज़ारों लोगों ने हमारे इन दोनों वीडियोस को लाइक किया है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। अब इन दोनों वीडियोस में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स की थी कि ये जो 5-स्टार RSI स्ट्रेटजी है, इनसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे लिए एक स्क्रीनर बना दें। तो आज मैंने एक स्क्रीनर तो बना दिया है, अब मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ये स्क्रीनर को कैसे यूज़ करना है ये बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको विशाल मलकान जी की जो स्ट्रैटेजी है 5-स्टार RSI स्ट्रैटेजी, ये एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो दोनों ही एपिसोड्स डेफिनेटली देखिएगा, ताकि आपको विस्तार से ये पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए। इसके बाद मैं आपको स्क्रीनर दिखाऊंगा और स्क्रीनर से कैसे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो ये भी बताऊंगा, और कैसे एक वॉचलिस्ट क्रिएट कर सकते हो ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5-स्टार RSI स्ट्रैटेजी से कैसे आप लॉन्ग ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके बारे में। तो ये काफ़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको 14 पीरियड RSI है वो सारे ही टाइम फ्रेम्स पे लगाना है। तो मंथली, वीकली और डेली तीनों ही टाइम फ्रेम्स पे आपको 14 पीरियड वाली सिंपल जो RSI होती है वो लगानी है। इसमें अब आपको क्या देखना है, कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड करने के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनकी जो मंथली RSI है, 14-मंथ RSI है, वो 60 के ऊपर हो, जो वीकली RSI है वो भी 60 के ऊपर हो। तो 14-वीक RSI आपकी 60 के ऊपर होनी चाहिए, और जो डेली RSI है, 14-डे RSI, वो 40 के करीब होनी चाहिए। सो जब ये तीनों ही चीज़ कॉम्बिनेशन में मिलती है तो ये ट्रेड एक्सीलेंट ट्रेड बन सकता है। तो जैसे कि विशाल मलकान जी ने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी आपको तीनों चीज़ें एक ही स्टॉक में मिल जाए तब आपको एंट्री लेनी है। तो आपका जो एंट्री पॉइंट होगा वो सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर का होगा, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सिग्नल कैंडल के लो के नीचे, जब अगर वो स्टॉक चला जाए तो आपका वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अब ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे स्टॉक्स है और बहुत सारे स्टॉक्स को डे टू डे बेसिस पे स्कैन करना, गो थ्रू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो लोग तो इजीली कर पाते हैं, लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत सारे स्टॉक्स स्कैन करना भी मुश्किल हो जाता है, और थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है टू इवेंचुअली आइडेंटिफाई अ ट्रेड। तो मैंने क्या किया है कि एक स्क्रीनर बना दिया है आप लोगों के लिए, आप ये स्क्रीनर रन करके इससे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं स्क्रीनर आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको यूज़ करना है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप बेरिश स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके। तो बेरिश स्ट्रैटेजी में आपको ये देखना है कि जो 14-मंथ RSI है वो 40 के नीचे हो, और 14-वीक RSI हो वो भी 40 के नीचे हो, जिसका मतलब यह है कि वो स्टॉक दोनों ही टाइम फ्रेम्स मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी बेरिश जोन में पहुंच चुका है। और आपको जो डेली RSI है वो 60 के करीब होनी चाहिए। तो 60 के करीब होने का मतलब यह है कि स्टॉक थोड़ा हल्का सा ऊपर आया है और यहाँ से फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकती है, तो देन अगेन दिस डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू। तो नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन आइडेंटिफाई बोथ बुलिश एज वेल एज बेरिश स्टॉक्स विद दिस 5-स्टार RSI स्ट्रैटेजी। तो लेट्स चेक आउट आवर स्कैनर्स नाउ। तो अब सबसे पहले हम बुलिश स्कैनर देखते हैं। बुलिश स्कैनर की ये जो स्पेसिफिक लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और इसके साथ साथ बेरिश स्कैनर की भी डाल दी है। तो आप ये नीचे जैसे ही ये लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो अब हम चार्टिंग की वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो जैसे ही आप ये लिंक क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा, और इस पेज पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मंथली RSI ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर 60 वाला एक फिल्टर डाल दिया है। हम ये पर्टिकुलर जो स्क्रीनर है वो निफ्टी 500 पे रन करते हैं। इसके साथ साथ मैंने वीकली 14-वीक RSI जो है वो भी ग्रेटर देन नंबर 60 डाल दिया है,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द 14-day RSI. तो जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी में देखा था कि 14-day RSI नीचे से 40 के लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती हुई होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने जो फिल्टर डाला है वो है कि लेटेस्ट 14 पीरियड RSI इज क्रॉसिंग अबाउ द नंबर 40. तो इस पर्टिकुलर फिल्टर को मैंने फिलहाल डिसेबल करके रखा है. इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर आपको डे टू डे बेसिस पर ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे कि जो जिनमें ये तीनों के तीनों क्राइटेरियाज मीट होते हो. तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये फिल्टर, ये स्पेसिफिक फ़िल्टर को डिसेबल करके ये स्कैन रन करता हूँ. तो जैसे ही आप ये स्कैन रन करोगे तो CNX 500 में जितने भी स्टॉक्स हैं जो 14 मंथ RSI और 14 वीकली RSI में 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो उसका एक पूरा लिस्ट आ जाएगा. तो देर आर अबाउट 95 स्टॉक्स इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट जो कि ये क्राइटेरिया मीट करते हो. तो 95 स्टॉक्स में 14 मंथ RSI और 14 वीक RSI 60 पीरियड के ऊपर है. तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे कि जिनका जो मंथली और वीकली ट्रेंड वो बुलिश है, तो जिनकी ग्रैंडफादर और फादर जो दो मेजर सबसे बड़े ट्रेंड्स है वो बुलिश है, और इनमें जब कभी भी आपको करेक्शन दिखे, जब कभी भी ये इनका डेली RSI 40 के नीचे जाए और 40 को क्रॉस करके जब ये ऊपर जाएगा तो आपको इसमें ये स्कैनर जो है वो अलर्ट दे देगा. तो वैसी वाली अलर्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे इसे एनेबल करना है और फिर स्कैन रन करना है. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है कि नो स्टॉक्स फिल्टर्ड इन द स्कैन. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत रेयर केसेस में होगा कि ये तीनों ही क्राइटेरियाज मीट होंगे, लेकिन जब कभी भी मीट होंगे तो आपको एक्सेलेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये देंगे. तो जैसे कि विशाल मलकान जी ने भी बताया था कि बुल मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स आते ही रहते हैं, तो आपको पेशेंटली वेट करना है और आपको वो स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए राह देखनी है. तो फिलहाल तो कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये डेफिनेटली ज़रूर मिल रहा है कि कौन से स्टॉक्स में ये स्कैन एक्टिव है. तो अब हम बात करते हैं बेरिश स्कैन की. इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. तो जैसे ही आप ये लिंक क्लिक करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा जहाँ पे ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी बेरिश स्कैन दिखा हुआ आएगा. तो जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि मंथली RSI 40 के नीचे हो, वीकली RSI 40 के नीचे हो और जो डेली RSI है वो 60 के ऊपर हो. तो अब फिलहाल हमने ये डिसेबल करके रखा है, जो लास्ट वाला फिल्टर है डेली RSI का उसे डिसेबल करके रखा है. अब हम ये स्कैन रन करते हैं और देखते हैं कि कितने स्टॉक्स आ रहे हैं. तो 5 स्टॉक्स ऐसे हैं पूरे CNX 500 में से जिनकी मंथली और वीकली RSI दोनों ही 40 के नीचे ट्रेड कर रही है. तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ये स्कैनर आपको फिल्टर करके तुरंत ही आइडियाज़ दे देता है, तुरंत ही एक वॉचलिस्ट बना के दे देता है. तो मान लीजिए कोई शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना चाहता हो तो ये स्कैनर काफ़ी जल्दी से आपको 500 स्टॉक्स में से स्क्रीन करके 5 ऐसे स्टॉक्स दे देगा कि जो मंथली और वीकली में दोनों ही RSI पे 40 के नीचे ट्रेड कर रहे हो. अब अगर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इसमें से आइडेंटिफाई करनी है तो ये लास्ट वाला जो फिल्टर है उसे एनेबल करना है और फिर रन करके देखना है कि क्या कोई स्टॉक में ये तीनों ही क्राइटेरियाज़ मीट हो रहे हैं या नहीं. तो फिलहाल तो तीनों क्राइटेरियाज़ मीट होने वाला ऐसा एक भी स्टॉक नहीं है. तो हर रोज़ आपको ये स्कैन दिन में एक बार रन कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, और अगर ये क्राइटेरियाज़ मीट होते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड. आप अपने और भी जो भी फिल्टर्स होंगे वो इस्तेमाल करके, आपके जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसे यूज़ करके आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये पेज में नीचे दिखेगा कि कौन से स्टॉक्स में ये क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे थे. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें दो रेड बार्स दिख रहे हैं, तो रेड बार्स पे आप क्लिक करोगे तो वो स्पेसिफिक दिन पे कौन से स्टॉक में ये तीनों क्राइटेरियाज मीट हुए थे ये पता चल जाएगा. तो 20 जनवरी को उज्जीवन में ये क्राइटेरिया मीट हुए थे, तो यू कैन देन गो एंड चेक द चार्ट ऑफ उज्जीवन ऑन 20th January, और उसके बाद से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया ये आपको पता चल जाएगा. सिमिलरली अक्टूबर 20th को भी एक स्टॉक आया था विच वॉज अगेन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो ये दोनों ही केस में आप बैकटेस्ट करके देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स ने ये सिग्नल्स दिए. बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट, शॉर्ट साइड पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन लेट्स चेकआउट कि लॉन्ग साइड पे आपको कैसी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी. तो अगेन वी स्क्रॉल बैक डाउन,
तो आप ये बार्स यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वो सारे बार्स है जहाँ पे स्पेसिफिक दिन है जहाँ पे ये तीनों ही क्राइटेरियाज मीट हुए थे। तो यू कैन रैंडमली पिक आउट एनी ऑफ द बार्स, यू कैन क्लिक ऑन इट और आपको ये स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द बार एंड सी कि कौन से स्टॉक में क्या मूवमेंट रही थी आफ्टर इट मेट ऑल द थ्री क्राइटेरियाज। तो ये पर्टिकुलर स्कैनर काफ़ी आसान कर देगा आपके लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, उसे बैक टेस्ट करना। तो प्लीज़ इस स्कैनर को यूज़ कीजिए, आपके जो भी फीडबैक या कमेंट्स है वो हमें बताइए। और ये वीडियो अंत करने से पहले मैं वापस से विशाल मलकान जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ ये जो द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट का एपिसोड किया और हमारे साथ उनकी ये स्ट्रैटेजी शेयर की। तो अगर आपने वो वीडियोज़ या वो दोनों एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दोनों एपिसोड ज़रूर देखिए। आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर ये दोनों एपिसोड्स की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसका नीचे कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए। और भी अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है कोई वीडियोस बनाने की तो उसे भी ज़रूर नीचे लिखिएगा और हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।